तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले बात करने वाले एल्विस यादव वर्सेस अदनान 07 के बारे में। तो आप लोगों को गाइस पता ही होगा कि अदनान 07 और एल्विस यादव के बीच में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चलते रहता है। और अदनान 07 ने गाइस रिसेंट के टाइम में एल्विस यादव के ऊपर एक डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग भी निकाला था और एल्विस यादव ने गाइस अदनान 07 के डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग को लेकर कुछ भी रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन अभी गाइस एल्विस आर्मी का एक बंदा है जिन्होंने कि अदनान 07 को रिप्लाई किया है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट सॉन्ग थोड़ा सा सुना देता हूँ, बाकी अगर आपको पूरा देखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सिस्टम से बड़ा अदनान 07 का टोरा है, जितना ज्यादा एल्विस यादव का फैन फॉलोइंग है उससे कहीं ज्यादा अदनान 07 को एक दिन में गाली पड़ती है। ड्रामा, मेरे आने के बाद लोगों को भी मजा है और विनर तो अब आ गया है एक्चुअल में। बाकी गाइस आप लोग इस वाले डिस्क को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए गाइस हम लोग बात करने वाले हैं तहलका परंक वर्सेस वड़ा पाव गर्ल के बारे में। तो तहलका परंक ने गाइस वड़ा पाव गर्ल को रोस्ट कर दिया है, आप लोग इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। लेडी आई थी बिग बॉस OTT 3 में, फर्स्ट नंबर पे एंट्री मारी थी, मैं वो कह रही है आजकल मैं तहलका से नहीं मिलना चाहती। मैं मैंने भी फिर वीडियो देखी, मैंने कहा हो सकता किसी में मैं होती है ना, तो इसके अंदर मैं है। लेकिन मैं उस टीचर से मिलना चाहता हूँ आपकी, जिसने आपको पढ़ाया था। सॉरी मैं नहीं, मैं। टीचर्स अच्छे से सिखाती हैं माँ ना चा, लेकिन वो टीचर कौन थी जो आपको उसने आपको सिखाया मैं। आप जब भी कहीं बात करती हो बड़े प्यार से मैं। अच्छा बकरी, सही है, टीचर ने नहीं सिखाया, समझ गया, बकरी ने सिखाया मैं।